हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 15 अप्रैल है आज। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम मुहावे डेजर्ट, निर्भय मिसाइल एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मुहावे डेजर्ट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है एंड ये एक एरिड रेन शेडो एरिया है। बेसिकली जो माउंटेन्स हैं उनके पीछे है ये, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ड्राइस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। US के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ये बेसिकली, एंड प्राइमरीली विद इन द साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया एंड सदर्न नेवाडा। तो जो दो स्टेट्स हैं कैलिफोर्निया नेवाडा, उनके साउथ में लोकेटेड है ये। जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, दे आर नोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ जोशुआ ट्रीज़। तो जो जोशुआ ट्रीज़ हैं इसके नेटिव हैं, यहीं की एक इंडिकेटर स्पीशीज़ माना जा रहा है द जोशुआ ट्रीज़ टू बी द इंडिकेटर स्पीशीज़ ऑफ द मुहावे डेजर्ट। एंड जो इसकी अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, जो कि इसके नॉर्थ में लोकेटेड है मुहावे डेजर्ट की, एंड सोनरन डेजर्ट है जो इसके साउथ एंड साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द हाई डेजर्ट। अगर हम इसका कंपैरिजन करें सोनरन डेजर्ट के साथ, जो कि साउथ में लोकेटेड है, उसको लो डेजर्ट बोलते हैं एंड मुहावे डेजर्ट को हाई डेजर्ट बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि यहीं से कैलिफोर्निया से ही बेसिकली जो हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन पढ़ेंगे उसने उड़ान भरी थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा मुहावे डेजर्ट लोकेटेड है एंड इसके डेजर्ट बनने का जो एक रीज़न क्या है, यहाँ पर कोल्ड करंट आता है, कैलिफोर्निया करंट जो कि कोल्ड करंट है, एंड जो US है उनके वेस्टर्न जो एजेस हैं उनको ये करंट बेसिकली बॉर्डर करता है, इसीलिए ये जो एरिया है एक तो रेन शेडो एरिया में लोकेटेड है, दूसरी जो रीज़न है कोल्ड करंट है, इसीलिए इट इज़ अ डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास निर्भय मिसाइल है, जो कि एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी डिलीवर कर सकती है अप टू द रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स। ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है बेसिकली, तो यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे कम स्पीड पर चलती है, 0.7 Mach के अराउंड इसकी स्पीड है। ठीक है जी, एंड मोर ओवर इसको काफ़ी ब्रैंडिश किया जा रहा है एज एन आंसर टू द अमेरिकाज फेमस टोमाहॉक मिसाइल्स। तो ये भी जो हैं सब सोनिक मिसाइल्स हैं, एंड ऑल्सो जो पाकिस्तान का बाबुर LCM है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, तो उनका काउंटर माना जा रहा है निर्भय मिसाइल को। लेकिन इसकी काफ़ी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, कुछ टाइम पहले इसके काफ़ी टेस्ट फेल हुए थे अकॉर्डिंगली, लेकिन अब कुछ ऐसे अच्छी खबरें आना स्टार्ट हुई हैं। तो ये जो सब सोनिक मिसाइल है बेसिकली 300 kg के अराउंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है, एंड अगर हम इसकी फ्लाइंग ट्रेजेक्ट्री देखें तो काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर ये फ्लाई करती है, ऑलमोस्ट हगिंग द टेरेन। तो बेसिकली है क्या, जो एनिमी रेडार्स हैं एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बचकर निकल जाती है ये। एंड आफ्टर एन इनिशियल ब्लास्ट ऑफ, अगर हम इसके फ्लाइंग मेथड की बात करें तो एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है जो रॉकेट इंजन में लगा है, तो वो हेल्प करता है फॉर इट टू गेन स्पीड एज वेल एज ऑल्टीट्यूड। एंड जो निर्भय है ये उसके बाद डिप्लॉय करती है इट्स स्मॉलिश विंग्स एंड टेल फिन्स, जो कि सेकेंड स्टेज का पार्ट बनते हैं, एंड उसके बाद ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह उड़ती रहती है। ठीक है जी, आगे हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन है ये। तो इट टुक ऑफ फ्रॉम द मुहावे डेजर्ट, जो कि हमने पहले पढ़ा है, इन कैलिफोर्निया, एंड ये पहली फ्लाइट है फॉर द कार्बन कॉम्पोजिट प्लेन, जिसको बनाया है स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम्स कॉरपोरेशन ने, एंड इस प्लेन का नाम रखा है रॉक, विच हैज़ अ विंग स्पैन द लेंथ ऑफ एन अमेरिकन फुटबॉल फील्ड। तो जो अमेरिका में जो फुटबॉल खेली जाती है, बेसिकली रग्बी बोलते हैं उसको, तो उसके एक पूरे फील्ड जितना इसका विंग स्पैन है, हम आगे पिक्चर देखेंगे। एंड इट इज़ पावर्ड बाय 6 engines ऑन अ ट्विन फ्यूजलेज। तो वो बनी है दो बॉडी से बेसिकली, जो मेन बॉडी है उसमें दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एंड द प्लेन इज़ डिज़ाइन टू ड्रॉप रॉकेट्स एंड अदर स्पेस व्हीकल्स, जो वे कर सकते हैं अप टू 5 lakh pounds एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,000 feet। तो इसको बेसिकली यूज़ किया जा सकता है एज अ रॉकेट दैट कैन कैरी कमर्शियल सेटेलाइट्स इन टू स्पेस। ठीक है जी, एंड इसके बाद ये इसकी इमेज है, ये दो इसके फ्यूजलेज हैं जो बॉडी पार्ट्स हैं बेसिकली, एंड दिस इज़ द होल विंग स्पैन, जो कि एक अमेरिकन फुटबॉल के फील्ड के बराबर है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।